साइबर सिटी गुरुग्राम के मदनपुरी में रहने वाले लोग पिछले कई दिनों से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो, गंदगी और पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं। मंगलवार को मदनपुरी निवासियों ने निवर्तमान पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलोनी की समस्या ना तो निवर्तमान पार्षद सुनते हैं और ना ही अधिकारी। यहाँ पे कूड़े की बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसको जल्द से जल्द साफ करवाया जाए। और सबसे बड़ी बात, गली मोहल्ले मार्केट के सब यहाँ गंद फेंकते हैं, 9 नंबर मदनपुरी के सब फेंकते हैं, आजू बाजू सारी गली के लोग गंद फेंकते हैं। खुद 15-20 दिन बैठ के यहाँ कूड़ा बंद करवाया। वजह यह है कि खत्ता यहाँ से हटाया जाए, इसके लिए कोई खत्ता बनाया जाए। हमारा गली मोहल्ला कोई हमारी कम्युनिटी ये खत्ता नहीं है। अगर यहाँ 2 डस्टबिन टेक दिया तो आपको और ज्यादा गंद मिलेगा, हम नहीं चाहते। इसके लिए कोई ढंग की जगह बनाई जाए और यहाँ से कूड़ा साफ करवाया जाए। बिल्कुल ये है कि भैया देखो, ये कोई अच्छी जगह है कि ये कूड़ा फेंकने की जगह बना रखी है? घर नजदीक है, बच्चों वाले सारे परिवार रहते हैं यहाँ पे है, ये मार्केट में कूड़े की जगह बनाई जाती है। ये तो भैया सालों हो गए यहाँ फेंकते, लेकिन अब ज्यादा हो गया। यहाँ पे दूर दूर के कूड़े यहाँ लाके जमा कर देते हैं। हफ्ते में एक बार कोई जमादार आता होगा तो आता होगा, बाकी 2 दिन ना उठाए, 3rd दिन घर के आगे कूड़ा हो जाता है। सब लोग यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, वो ट्रैक्टर आगे खड़ा कर देते हैं और शराब पीते रहते हैं और लीडो खेलते रहते हैं, युवा खेलते रहते हैं। उनको कहो कि ये कूड़ा क्यों पड़ा है, वो कहते हैं आपको क्या दिक्कत है, हम अपनी सफाई कर देंगे। हाँ, जो कर्मचारी इनके हैं सफाई कर्मचारी, वो शराब पीते रहते हैं, लीडो खेलते रहते हैं, उनको कुछ कहो तो मारने को दौड़ते हैं। ट्रैक्टर खड़ा रहता है, खड़ा ही रहे, खाली आता है खाली चला जाता है, वो खाली उसकी फोटो खींच लेते हैं कि ये ट्रैक्टर भरा हुआ है। गाड़ी ट्रैक्टर तो रोज आता है, लेकिन खाली आता है खाली चला जाता है। मैं कई बार इनकी कंप्लेंट कर चुका हूँ, जो इनका दरोगा है वो भी नहीं सुनता। मदनपुरी गली नंबर 11 में सीवर ओवरफ्लो होने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, यहाँ पीने का पानी भी दूषित हो गया है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मदनपुरी से आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे पारस जुनेजा की माने तो यहाँ छोटी मशीन से सफाई करवाई जाती है, जिससे बार बार सीवर ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा यहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, नगर निगम के अफसरों को कई बार इस चीज़ की बार बार कंप्लेंट की गई है कि यहाँ पर कूड़ा नहीं इकट्ठा होना चाहिए। होता क्या है, देखिए ये हकीकत है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कहीं पर एक मंदिर की कोई मूर्ति रखी है, एक व्यक्ति ने सिक्का रखा तो सब रखने शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से कहीं पर अगर किसी ने कूड़े का हत्ता बना रखा था या कूड़ा फेंका जा रहा, तो सबके सब पीछे लग जाते हैं वहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए। उन लोगों को लगता है कि ये कूड़े का हत्ता है, यहाँ से लोग बीमार हो रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से बीमार हो रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बगल में मेडिकल स्टोर है, खांसी जुकाम हो रहा है वहाँ जा रहे हैं। हम कह रहे हैं हत्ता यहाँ से हटा दिया जाए। अब बात आती है कि हटाया कैसे जाए। अगर नगर निगम को समझ में नहीं आ रहा तो हम थोड़े सजेशन दे देते हैं। पहला, या तो यहाँ से बिल्कुल अच्छे से आप एक बार सफाई कराइए, यहाँ एक बैनर लगना चाहिए, बैनर पे लिखा होना चाहिए कि यहाँ कूड़ा डालना मना है। यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, हर 4 दिन में 5 दिन में उस फुटेज में जो नज़र आए उनको वायरल करो, लोगों को जुर्माना भी होना चाहिए। कई बार देखने को मिला कि नगर निगम की तरफ से कई जगहों पर हत्तों के बाद जो हत्ते हटाए गए हैं वहाँ पर कोई कर्मचारी को बिठा दिया जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं? चलता रोड है, मंडी है, इस गंद इस बदबू से जो बीमारियाँ फैलेंगी, लोग सब्जियों के जरिए या यहाँ से निकलते हुए जब निकल रहे होंगे तो बीमारियों को घर लेकर जा रहे हैं। सर, यहाँ से कूड़ा हटेगा और वो तभी हटेगा जब नेता यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई नेता आता है तो यही बोलता है, सर मुझे वोट ज़रूर दीजिएगा, इस बार मुझे परिवर्तन का मौका दीजिए, मुझे बदलाव का मौका दीजिए। लेकिन क्या 4 साल 11 महीने 29 दिन वो ये बोलने के लिए आता है क्या कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कृपया वहाँ कूड़ा मत डालिएगा? तो ये मेरी नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि ये सीवर का काम और ये मंडी में गंदगी का काम, मदनपुरी गली नंबर 3 के बाहर शराब का ठेका है, उसके सामने गंदगी, लोग खुले में बाथरूम जा रहे हैं, सर लगाम लगवाइए इन चीज़ों पर। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं मदनपुरी ज्योति पार्क की जो मंडी है बलदेव नगर के पास की, वहाँ पर गली नंबर 11 के पास। अभी हम लोग बात कर रहे थे मदनपुरी गली नंबर 11 की सीवर की समस्या की। 4 कदम हम आगे आए हैं, सिर्फ 4 कदम, इससे ज़्यादा तो नहीं चले होंगे। मैं चाहता हूँ ये स्वर्ग एक बार दिखाया जाए नगर निगम को कि हम कहाँ रहते हैं। हम बना हुआ है। ये तो इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे हम गर्मी की छुट्टियाँ आई हैं, बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आएंगे। ये देखिए आवारा पशु यहाँ पे घूम रहे हैं, अगर किसी डेयरी के हैं तो ये डेयरी में होने चाहिए, आवारा हैं तो नगर निगम इन्हें अपने साथ लेकर जाए। गंदगी साफ करने का काम किसका है?
ये जिम्मेदारी हमने किसको दी थी? नगर निगम के पास ही होती है, उनके अधिकारियों के पास है, कर्मचारियों के पास है, और जो लोग अभी काम नहीं कर रहे उनके लिए हमारे पास सिर्फ एक नारा है, और वो नारा क्या है? काम करो या कुर्सी छोड़ो, काम करो या कुर्सी छोड़ो, काम करो या कुर्सी छोड़ो। जो काम ही नहीं करना कुर्सी पे बैठे क्यों जी, किसी और को मौका दे दो। पारस जुनेजा और आसपास के लोगों की माने तो सीवर ओवरफ्लो होने से स्कूली बच्चे बाइक सवार गिर जाते हैं, कई लोगों के वाहन तक रुक जाते हैं, लेकिन इसका निवारण करने वाला कोई नहीं। वहीं मदनपुरी सब्जी मंडी की बात करें तो यहां भी आसपास कूड़ा इकट्ठा रहता है, आवारा पशु गंदगी फैलाते हैं, लेकिन यहां से कूड़ा उठाने के लिए प्रशासन के कोई इंतजाम नहीं है। वहीं मदनपुरी ज्योति पार्क रोड पर कम्युनिटी सेंटर के सामने भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है, लेकिन आप तब तक द ग्राउंड न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज़।